हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुनेश सिंह। आज हम एएलपी साइको का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेमोरी टेस्ट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेमोरी पांच प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले हम हाउस मेमोरी या बिल्डिंग मेमोरी के बारे में बात करेंगे। हाउस मेमोरी में 12-12 के दो क्वेश्चन सेट आते हैं, कुल टोटल क्वेश्चन 24 होते हैं और हमारे पास 8 मिनट का समय होता है। 2 मिनट लर्न करने का, फिर 2 मिनट में हमको आंसर देने हैं, अगेन फिर 2 मिनट लर्न करने का और फिर 2 मिनट में आंसर देने हैं। इस प्रकार 8 मिनट का समय होता है। हाउस मेमोरी को किस प्रकार लर्न किया जाता है, कैसे हम याद कर सकते हैं उनको, वो हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाउस मेमोरी को एक पेज खोलते हैं। ये आपके पास में दिया हुआ है, हाउस मेमोरी का पेज है, ठीक है। हमारे सामने 12 प्रकार की एक हाउस दिए हुए हैं, घर दिए हुए हैं, जिनको हमको देखना है और सभी को अलग घर के रूप में याद करना है। किसके रूप में याद करना है, सबको अलग घर के रूप में, ठीक है। और सबकी घर को याद करने के साथ साथ उसकी पोजीशन को भी याद करना है। इसमें हमारे पास 2 मिनट का समय होता है, जिसमें हमको घर को एक अलग स्थिति देनी है, उनका अलग डिजाइन देना है और साथ में उसकी स्थिति भी याद करनी है। तो सबसे पहले याद करने का तरीका ये है कि हम चार जो कॉर्नरों में बने होंगे हाउस, उनको याद करेंगे या फिर एक साइड से याद करेंगे, ठीक है। हम इस साइड से लेके चले चाहे हम चार कॉर्नर को याद करते हुए चले। तो हमने सबसे पहले यह देखा कि एक घर बना हुआ है, ठीक है, जिसकी छत सफेद है, गौर से देखिए, और उसकी विंडो पे एक विंडो है जिसमें हमको टीवी नुमा करती दिख रही है विंडो की। जैसे हम टीवी पिक्चर देखते हैं तो सिर्फ एक उतना ही हिस्सा हमको व्हाइट दिखता है, बाकी हिस्सा हमको व्हाइट नहीं दिखता, ठीक है। जैसे ये हाउस है, इसमें पूरे घर में देखिए ये आकृति तो दिख रही है आपको, मैंने लाल लाल की है, ये एक टीवी के जैसे आकृति दिख रही है। तो और हमको कहीं भी पूरे 12 घरों में नहीं दिख रहा ऐसा कि एक टीवी नुमा आकृति दिखे और उसमें 3 छोटे खन भी दिख रहे हैं नाचे, और वो भी कहीं नहीं है पूरे हाउस में। तो हमने एक याद किया कि इस कॉर्नर पर बिल्कुल ऊपर ऊपर स्थान जो पहला डिब्बा है उसके अंदर एक टीवी नुमा आकृति की खिड़की है, वो हमको दिख रही है, हमने यहाँ तक छोड़ दिया। हाउस नंबर 2 में आते हैं, ये समझ लो आपने सभी ने केदारनाथ जी का मंदिर देखा होगा, वहां पर कुछ पट ऐसे ही है, सबसे अलग दिखता है हमको, देखते हैं हमने बोला इसको मंदिर नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको याद करनी फटाफट। ऐसा नहीं है कि मैं दे रहा हूँ वही नाम आप दें, आपको जो समझ में पहले आता है इस घर को देखकर, जो पिक्चर को देखने के बाद, इमेज को देखने के बाद जो आपके मन में पहली चीज आती है उसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने इसको देखकर पूरे फटाफट क्या ढूंढा इसमें से, सिर्फ एक चीज ढूंढी कि ये एक खिड़की है, विंडो है, जो किस रूप में टीवी के रूप में है। सेकेंड जो हाउस देखा था एक खाने को छोड़ के नीचे वाले में, ठीक है, बीच वाला, उसमें मैंने देखा था कि केदारनाथ के पट ऐसे ही होते हैं, केदारनाथ जी के जो मंदिर का आगा हिस्सा है बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार का ही बना हुआ है। तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये चीज आई कि मैंने इस मंदिर को देखा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले खाने में क्या था कि टीवी दार एक विंडो थी, उसके जस्ट नीचे एक खाली है, उसके पास हमने देखा कि एक में हमको केदारनाथ जी जैसे पट दिख रहे थे, ठीक है। अब आते हैं, एक बड़ा ही अच्छा मकान दिख रहा है, सुंदर सा मकान दिख रहा है, तो मैंने मान लिया ये तो मेरा मकान है भैया। सबसे पहले क्या माना मैंने, मेरा मकान, ठीक है। तो मैंने किससे याद किया इसको, मेरे मकान के नाम से याद किया। फिर ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फटाफट याद करने हमको, टीवी विंडो वाला घर, एक छोड़ के नीचे दोस्तों खाने में केदारनाथ जी के पट है, और तीसरे नंबर पर मेरा घर है, सुंदर सा जो घर है वो मेरा घर है, चलो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऊपर, फिर यहाँ से एक कंप्लीट होगी रो, फिर हमने यहाँ से याद किया हरा भरा घर, क्योंकि इसके पास बहुत ही पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो ये क्या है, हरा भरा घर, हरा भरा सिंपल घर, हरा भरा सिंपल घर, ठीक है। इस खाने के बगल में जस्ट दूसरा बड़ा खाना, चौखाना, उसके अंदर है हरा भरा घर, और इसमें बहुत सारी खिड़कियां जंगले लगे हुए हैं, देखो इसमें 4 इस साइड में, 3 ऊपर 2 नीचे, तो हरा भरा घर है, ठीक है। और उसके जस्ट पास में, हरे भरे घर के पास में ही किसी ने एक शानदार 2 मंजिला बिल्डिंग ठोक रखी, शानदार 2 मंजिला बिल्डिंग, क्या थी, शानदार 2 मंजिला बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो हमने फिर से करते हैं, टीवी वाली विंडो, विंडो वाली टीवी का घर, केदारनाथ जी का मेरा घर, सुंदर मेरा घर है, सबसे ऊपर हरा भरा घर, हरा भरा घर के पास में जस्ट 2 मंजिल शानदार घर, ठीक है। एक हमको ये दिख रहा है घंटा घर, घंटा घर जैसी आकृति दिख रही है जस्ट इसके नीचे, इसमें 2 मंजिल बन रहे हैं, घंटा घर और बड़ा पेड़, तो पेड़ के नीचे घंटा घर, पेड़ के नीचे घंटा घर, ठीक है, हमने याद कर लिए पेड़ के नीचे घंटा घर, ठीक है, ठीक। तो हमें कितने याद हो गए, 6 हो गए, टीवी वाला विंडो,
केदारनाथ जी के मेरा घर, हरा भरा घर, और उसके पास में शानदार 2 मंजिल घर, और जस्ट उसके नीचे पेड़ के नीचे घंटाघर, पेड़ के नीचे घंटाघर। तो हमको 6 हाउस एक साथ हमने याद किए हैं। अब हमने देखा कि पेड़ के जस्ट पास में, ये अब सीक्वल बन रहा है हमारा, पेड़ के जस्ट पास में एक बिल्कुल काला है, उसकी छत पूरी काला है, लेकिन खिड़की दरवाजे और ऊपर का रोशन, दरवाजा सफेद, दरवाजा और सफेद खिड़की वाला घर, सफेद दरवाजा सफेद खिड़की वाला घर कहाँ है, ये पास में है, ठीक है, सफेद दरवाजा सफेद खिड़की वाला घर, ठीक है। ये अब हम देखें, यहाँ पर आते हैं इसके पास जस्ट नीचे। अब ये 4 घरों को एक साथ कनेक्ट करने हैं, यहाँ तक हमने एक साथ कनेक्ट कर लिए, हमने यहाँ कनेक्ट किए, तो देखे विंडो वाला, टीवी वाला विंडो, केदारनाथ मेरा घर, ऊपर चलते हैं हरा भरा घर, उसके पास शानदार 2 मंजिला घर, जस्ट उसके नीचे पेड़ के नीचे घंटा घर, पेड़ के नीचे घंटा घर, और जस्ट उसके बाद में सफेद गेट और खिड़की वाला घर, सफेद गेट और खिड़की वाला घर हमको, ठीक है। 4 घरों में देखा, ये तो टेबल नुमा आकृति का हो गया, क्या हो गया, टेबल नुमा आकृति का घर, टेबल नुमा आकृति का घर कहां पर, इस बड़े वाले घर में, ठीक है। जस्ट इसके पास कॉर्नर में एक 6 सेक्शन वाला, कितनी 6 सेक्शन वाला, कितने सेक्शन है इसमें, 6 सेक्शन, इसकी विंडो में कितने सेक्शन दिख रहे हैं ऊपर वाली में हमको, 6 सेक्शन, 6 सेक्शन वाला घर, 6 सेक्शन वाला घर, देखो टेबल घर यहां पर है, उसके जस्ट कॉर्नर पर 6 विंडो सेक्शन वाला घर है, और उसके जस्ट नीचे हम चलते हैं, इसके नीचे हम चलते हैं, तो हमने देखा कि सफेद छत काला दरवाजा, सफेद छत काला दरवाजा, सफेद छत काला दरवाजा, सफेद छत काला दरवाजा। फिर स्टार्ट करते हैं ऊपर से ही, ठीक है, टेलीविजन विंडो घर, उसके एक खोड़ के खाने में फिर हमारे केदारनाथ जी का, जस्ट उसके मेरा घर, यहां पर देखा था हरा भरा घर, ठीक है, उसके पास में शानदार 2 मंजिला घर, उसके तुरंत नीचे पेड़ के नीचे घंटा घर, पेड़ के नीचे घंटा घर के जस्ट बगल में सफेद गेट सफेद खिड़की घर, उसके जस्ट नीचे वहां पे देखते हैं, यहाँ देखना है कि क्या है, एक हमारे पास में टेबल नुमा आकृति, टेबल नुमा आकृति के जस्ट बगल में 6 सेक्शन वाला घर, उसके जस्ट नीचे सफेद छत काला गेट, सफेद छत काला गेट, सफेद छत काला गेट। अब बचे 2 घर, एक घर तो ये है, तो बीचा बीच का जो घर है, बीचा बीच का जो घर है उसके ऊपर एक टावर बन रहा है, ठीक है, सिंपल टावर, टावर वाला घर है, और टावर के ऊपर ना कोई खिड़की है ना दरवाजा, सिंपल टावर घर, सिंपल टावर घर, सिंपल टावर घर बीचा बीच में, और ये बचा लास्ट ये गोला, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, काली छत काला छज्जा, काली छत और काला छज्जा, इसके अंदर जो आगे काला काला से निकल रहा है ये एक छज्जे जैसी आकृति है, तो इसको बोलेंगे हम काली छत और काला छज्जा। काली छत और काला छज्जा, ठीक है दोस्तों। तो हमने याद किए, कैसे याद किए, फिर स्टार्ट करते हैं शुरू से ही, टीवी नुमा विंडो, ये कैसी एक टीवी नुमा विंडो है, विंडो है, एक खाना छोड़ के दूसरा जो मेरे पास में है वो है हमारा केदारनाथ जी का मंदिर, केदारनाथ जी का मंदिर, जस्ट उसके नीचे मेरा घर था। फिर हम चलते हैं त्रिभुज छोड़ में, इसके बीच में ये था अपना छायादार हरा भरा घर, छायादार हरा भरा घर, उसके जस्ट बगल में है शानदार 2 मंजिला घर, शानदार 2 मंजिला घर, उसके नीचे आते हैं तो पेड़ के नीचे घंटाघर, पेड़ के नीचे घंटाघर, घंटाघर के जस्ट पास में क्या था, सफेद गेट और सफेद खिड़की वाला घर, सफेद गेट सफेद खिड़की वाला घर, ठीक है। फिर बीच बीच में यहां से याद करते हैं, ये ध्यान रखना इस आकृति को, ये टेबल नुमा आकृति है, टेबल नुमा आकृति वाला घर है, उसके जस्ट पास में सेक्शन विंडो वाला घर है, उसके नीचे है जो सफेद छत और काला दरवाजा, सफेद छत और काला दरवाजा घर है, बीच बीच में जो घर है उसका टावर नुमा आकृति है, और बीच में जो हमारे घर है इस गोले में है, ये घर 2 मंजिल तो है पर काली छत और काला छज्जा है। इस प्रकार हमने याद किया, ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम कैसे याद करें, किसी प्रकार से याद कर सकते हैं, कहीं से भी याद कर सकते हैं, किसी प्रकार। देखो अब दोबारा फटाफट हमने क्या याद किया, आपने क्या याद किया वो देखिए, ये मैंने सारे इरेज कर दिए जो बनाए थे, ये जरूरी नहीं है जो मैंने बनाए वो, आपको देखकर जो भी आपके मन में आता है, देखो इसको देख के आपको मन में आता है बहु खिड़की घर, क्योंकि इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, तो आप इसी से याद कर सकते हो, या फिर लाइनिंग वाली छत, देखो वैसे झोपड़ी दिख रही है वो कच्ची, तो हम गरीब का घर भी बोल सकते हैं इसको, छायादार घर के अलावा, क्योंकि इसको पढ़ते छायादार घर। तो दोबारा एक आकृति याद की हमने, पूरा काला हाउस सफेद विंडो, पूरा काला हाउस
एक सफेद विंडो, इस तरीके से दूसरे तरीके ढूंढते हैं, काला हाउस सफेद विंडो, ओनली विंडो सफेद है, गेट नहीं है यहाँ का, काला हाउस सफेद विंडो। फिर हमने छोड़ के सेकेंड नंबर यहाँ पर आए, अब इसको हम करते हैं ब्रिक्स वाला घर। चलो दूसरी तरीके से याद कर रहे हैं इस चीज़ को, ब्रिक्स वाला घर। तीसरा इसको आप बोल सकते हो मेरा घर, मेरा पड़ोसी का घर, जो भी, क्योंकि दिख रहा है पूरा ये सफ़ेद दीवार, पूरी कैसी इसकी दीवार है, सफ़ेद है। मैंने पहले किया था इसको टीवी नुमा करती, ये केदारनाथ और ये मेरा, अब मैंने इसको किस तरीके से याद कर रहा हूँ कि ये पूरा काला घर है और इसकी विंडो सफ़ेद है, ये हमारा ब्रिक्स ईंटोदार घर है, ये वाला हमारा पूरी सफ़ेद दीवार घर है, ठीक है। ये कच्चा घर, क्या समझ रहे हैं, कच्चा घर जैसा, कच्चा घर। उसके पास में ये किसी अच्छे व्यक्ति का घर बोल सकते हो, विधायक जी का घर, किसका, विधायक जी का घर। यहाँ पर पेड़ के नीचे घर, पेड़ के नीचे घर। तो हमने वो याद किए, पूरे भूल गए जो हमने पहले याद किया उसको भूल के अब दूसरे तरीके से याद कर रहे हैं। काली पूरे दीवार है, उस पर सफ़ेद विंडो है, जस्ट उसके नीचे आता है वो आपका ईंटदार ब्रिक्सदार घर है, उसके नीचे आता है सफ़ेद दीवार वाला घर है। यहाँ कच्चा घर है, कच्चा घर के पास में शानदार विधायक जी का घर है, विधायक घर जी के जस्ट नीचे क्या है, पेड़ के नीचे घर, पेड़ के नीचे घर। अब यहाँ भी काली है यहाँ अपन, लेकिन काली दीवार पूरी और गेट सफ़ेद, विंडो और गेट दोनों सफ़ेद। यहाँ ओनली विंडो सफ़ेद थी, यहाँ विंडो और गेट, गेट सफ़ेद और रोशनदान भी सफ़ेद, मतलब खुलने वाली जितनी भी चीज़ें वो सब सफ़ेद है। यहाँ गेट बंद था, ठीक है, खुलने वाली सभी चीज़ें सफ़ेद, ठीक है। इसको आप याद करेंगे एक तरीके से टेबल नुमा आकृति का है या पिल्लर पर बना हुआ घर, ठीक है। ये एक खिलौना नुमा आकृति है, ठीक है, खिलौना नुमा आकृति का घर है ये, इसको देखेंगे सेक्शन दिख रही है हमको, ठीक है, या फिर बिना खिड़की दरवाजे का घर दिख रहा है क्योंकि सिर्फ सेक्शन लगी हुई है, खिड़की दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर घर में के दरवाजे में भी हो रहा है। ये आप याद कर सकते हो, तो एक इसके अंदर ऐसी आकृति बन रही है ये दिवाली, तो इसको देख के बोल सकते हो कि सफ़ेद छप में एक रोशनदान। ये आपका टावर वाला घर है, सिंपल टावर वाला घर, यहाँ भी हम यही करेंगे। और ये घर जो बीच बीच में है तो इस पर कुछ झंडे जैसी आकृति बन रही है, ये झंडे वाला घर कह सकते हैं। तो ये दो आपके चिमनी लगी हुई है, चिमनी वाला घर बोलते हैं या काला छज्जा वाला घर बोल सकते हैं। आपने ऐसे याद किया, याद करने के बाद में आपको इस प्रकार का चित्र आएगा, दो मिनट के याद याद करने के बाद इस प्रकार का चित्र आएगा। अब आप देखोगे, मैं आपसे पूछूंगा कि हमने यहाँ किस कौन सा घर याद किया था, अभी हम पेपर करेंगे जब हल करेंगे, पर हमने यहाँ कौन सा घर याद किया था, यहाँ पर हमने छोड़ के इसमें कौन सा घर किया, इसमें कौन सा, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा, ठीक है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा, इस मिड में, ठीक है, एक यहाँ हो गया, एक छायादार पेड़ का घर ये था, एक इसमें, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, अब दो घर रह गए, ठीक है, कौन कौन से दो घर रह गए थे ध्यान करो, क्योंकि यहाँ गरीब का घर था, गरीब घर के जस्ट पास में क्या था, शानदार बंगला, शानदार बंगला के नीचे वो था। तो अब इस प्रकार मैंने 10 घर को आप दे दिए, अब देखते हैं हम पेपर में करेंगे आगे आपके लिए, फटाफट याद करके फटाफट उनके आंसर देंगे सभी के। दोस्तों अभी आपने लर्न करना सीख लिया है, कैसे लर्न करना है, अब आपके सामने एक टेस्ट है, एक पेपर है पूरा, जो आपको दो मिनट के, ढाई मिनट के अंदर याद लर्न करना है, दो मिनट के अंदर, और फिर हम उसके आंसर देंगे। तो फटाफट कैसे लर्न करते हो देखिए, हमारे पास सीधे पहले से आकृति पाते हैं, इस हाथ से शुरू करते हैं, एक छोड़ के सेकेंड नंबर डिब्बे में, और कहाँ पर स्टार्ट पे, हमको पोजिशन जरूर ध्यान रखनी है हमेशा कि पोजिशन कहाँ पर है। हाँ दोस्तों देखिए कि ये कौन सी आकृति है, एक बहुत ही, ठीक है, बहुत ही सिंपल घर दिख रहा है, कैसा घर दिख रहा है, सिंपल घर दिख रहा है, लेकिन इसमें तीन विंडो और एक गेट दिख रहा है हमको, कहाँ दिख रहा है, एक दो तीन, और घर के पास में क्या उग रही है, घास, तो इसको हम बोल सकते हैं घास वाला घर, ध्यान रखें घास वाला घर, ठीक है। ये एक कॉफ़ी शॉप है, जैसे आपने देखा होगा जल्दी से कि हमको बीच में जस्ट घर के, घास वाले घर के पास में क्या है, बीचे बीच मिड में कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप में एक ऐसा निशान बना होता है, तो यहाँ भी हमको एक कॉफ़ी शॉप जैसा निशान दिख रहा है हल्का सा छोटा सा, तो मैं इसको जल्दी फटाफट क्या याद करूँगा, कॉफ़ी शॉप, ठीक है। मैंने दो याद कर लिए, एक साधारण घास वाला घर है जिसके पास घास उगी हुई है, तीन विंडो एक दरवाजा है, उसके बीच मिड में एक कॉफ़ी हाउस है, वहाँ से हम चल के एक रास्ता बन रहा है, रास्ते के अंदर एक घर निकल रहा है जहाँ पर सूरज जी निकल रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं सूरज जी निकल रहे हैं और इलेक्ट्रिक लाइन की कुछ धुआं सी दिख रही है, तो सूरज जी वाला घर याद करेंगे, कहीं और भी सूरज जी हैं किसी घर में, नहीं है, तो हमने सिर्फ एक याद कर लिया, ये तो ये क्या है, सूरज जी वाला घर है। हम तीन एक साथ फिर बोलेंगे,
सिंपल साधन घर है जिसमें तीन विंडो एक दरवाजा है, उसके पास में कॉफी हाउस है, कॉफी हाउस के जस्ट नीचे यहाँ पर सूरज जी निकलते हुए घर है, और उसके जस्ट पास में आधा गेट काला और आधा गेट सफेद या फिर ब्रिक्स वाला घर, इस प्रकार ब्रिक्स में कोई और घर नहीं होगा, तो ये कौन सा घर है? ब्रिक्स वाला। चार घर एक फटाफट याद किए, तीन विंडो एक दरवाजा वाला घर, कॉफी हाउस, इसको छोड़ के बीच में रास्ता बना हुआ है, वहां पर सूरज जी निकल रहे हैं, और उसके पास गोले के बीच बीच में कौन सा घर है? ब्रिक्स वाला घर। चार याद किए, फिर हम ऊपर से चलते हैं अगेन। ठीक है, ये एक ऐसा घर दिख रहा है हमको जहां पर बर्फ गिरी हो, इसके पास में भी ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ गिरी हुई है, तो ये किसको कहेंगे? बर्फ वाला घर। जो इग्लू लोग रहते हैं उनका ऐसा हाउस बना घर बना होता है, तो ये घर बर्फ वाला घर है, वाला घर। और बर्फ वाले घर के पास, ठीक है, जस्ट छोटा घर है, कौन सा? ये छोटा घर है, सिंपल साधारण साधारण घर, और एक इधर साइड में इसके जस्ट नीचे है, और एक रास्ते को छोड़कर यहां पर है साधारण घर, लेकिन ये कैसा है? बड़ा। ध्यान रखना, जो हाथ के इस साइड में वो बड़ा है और नीचे है जो छोटा है। अब हमने यहां से सात घर याद किए, और फिर दोबारा बोलते हैं बिना देखे हुए, तीन विंडो एक दरवाजा, जस्ट नीचे कॉफी हाउस, कॉफी हाउस के पास में रास्ता है, रास्ते में हमको कैसा मिला? सूर्य निकलते हुए घर, सूरज जी निकल रहे हैं यहाँ पर देखा ब्रिक्स वाला घर है, ब्रिक्स वाला घर है, ध्यान रखा गोले में ब्रिक्स वाला घर है, यहाँ देखा बर्फ वाले के नीचे साधारण सिंपल छोटा, बगल में साधारण सिंपल बड़ा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारे पास में एक यहाँ पर गोला है, यहाँ हमने देखा कि ये घर को हम क्या नाम दें, इस घर को हम क्या नाम दें, इस घर को मैंने देखा तीन विंडो, क्या तीन विंडो सामने से और कहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है, तीन विंडो नहीं दे सकते हम, तो हाँ दे सकते हैं सिंपल साधारण विंडो है तीनों, ये बिल्कुल सामने से देखने पर साधारण घर है, सिंपल तीन विंडो वाला साधारण घर, तीन विंडो वाला साधारण घर। ठीक है, या फिर इसको नाम दे लो ये मेरा घर, चलो ठीक है, सबसे पहले मेरा घर है, जब बिल्कुल कहीं समझ में नहीं आता तो वहाँ बोल सकते हैं मेरा घर। ठीक है, सिंपल घर के पास में गोले में मेरा घर, मेरा घर के पास में देखो यहाँ पर ना विंडो, बिना विंडो बिना दरवाजे का घर, बिना विंडो और बिना दरवाजे का घर, बिना विंडो बिना दरवाजे का घर। तो हमने फिर देखा ऐसे तीन विंडो एक दरवाजा, उसके पास में कॉफी हाउस बीच में, नीचे आते हैं सूरज निकलता हुआ घर, उसके पास में ब्रिक्स वाला घर, ऊपर आए बर्फ वाला घर, नीचे साधारण छोटा, इधर साधारण बड़ा, पास में मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, और मेरा घर के जस्ट पास में एक घर था जिसमें ना तो विंडो थी और ना ही दरवाजा थे। अब हमारे पास बच गए हैं ये तीन घर, तो ये तो सिंपल सी बात है, दो मंजिला घर, कोई घर और दो मंजिला है ही नहीं। ठीक है, दो मंजिला घर है, दो मंजिला घर है, दो मंजिला घर, और दो मंजिला घर के पास में ही, दो मंजिल घर के पास में क्या है? देखो यहाँ पर एक दिल जैसी आकृति बन रही है, आप बहुत जल्दी याद करोगे, जितना ऊट पटांग याद करोगे उतना अच्छा, ऐसी आकृति बन रही है यहाँ पर, तो इसके जो पोर्च एरिया बना हुआ है उसके अंदर दिल जैसी आकृति बनती है, तो ये इसको हम देंगे दिल, दिल वाला घर, कौन सा घर? दिल वाला घर। तो हमने देखा ये दो मंजिला घर था, उसके पास में दिल वालों का घर था, दिल वाला घर था, और जस्ट बीचा बीच में जो आकृति दिख रही है ये एक घर था जिसमें साइड से सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, साइड से सीढ़ियां, या इसको कह सकते हैं बिना घर वाला घर, बिना दरवाजा वाला घर, बिना दरवाजे वाला घर। तो आपने एक और याद किया, कैसे याद किया देखते हैं, तीन विंडो एक दरवाजा, उसके साथ कॉफी हाउस, कॉफी हाउस सूरज जी निकलता घर, ब्रिक्स वाला घर, बर्फ वाला घर, नीचे छोटा सिंपल, साइड में बड़ा सिंपल, मेरा घर, मेरे घर पास बिना विंडो बिना खिड़की वाला घर, फिर नीचे आते दो मंजिल, दो मंजिल के पास में दिल वाला, दिल वाले के पास में बिना गेट वाला। ठीक है दोस्तों, अब हमने सभी कुछ घरों को याद कर लिया है, याद करने के बाद अब हम इनको हल करेंगे, कैसे करेंगे आप देखिए, आप ये आ गए आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर एक को देखिए, क्वेश्चन नंबर एक, ये कौन सा घर था? ये घर था तीन विंडो और एक दरवाजा, तो मैंने आपको बताया था वो कहां था, यहां था, तीन विंडो और एक दरवाजा कहां था? यहां पर। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी। तो हमारा आंसर क्या है? बी। दूसरा घर था, ये घर मैंने मेरा घर कहा था हमेशा, क्या कहा था? मेरा घर। तो मेरा घर कहां पर था? इस गोले में। तो मेरा घर, इसमें आंसर क्या है? ई, फटाफट याद करने पर। तीसरा जो घर है ये ब्रिक्स वाला घर था, मैंने आपसे कहा था ये कौन सा घर है? ब्रिक्स वाला घर है, और वो कहां था? इस गोले में। तो आपका आंसर ए। ये दो मंजिल का घर था काला घर जो अपने यहां पर था, सी। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। ये बर्फ वाला घर, तो ये बर्फ वाला घर कहां था? आपको मैंने बताया था कि बर्फ वाला घर यहां था। ठीक है, बर्फ वाला घर यहां था,
और बर्फ वाले घर के नीचे यहाँ कौन सा घर था, साधारण छोटा, यहाँ पर साधारण बड़ा, साधारण छोटा और साधारण बड़ा। तो हमने बर्फ वाले घर तक कर लिए, ये आ गए दोनों, साधारण छोटा। तो साधारण छोटा मैंने बताया था यहाँ पर है, साधारण छोटा मैंने बताया था कहाँ पर, ये रहा, और साधारण बड़ा ये रहा। तो इसमें तो क्या आएगा अपना बी और इसमें सी। अब यहाँ सूरज जी निकल रहे थे, सूरज जी कहाँ निकल रहे थे, इस रास्ते पर निकल रहे थे, इस रास्ते पर निकल रहे थे कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा आपका ई। और ये घर कैसा था, दिल वालों का घर, कैसा था, दिल वालों का घर। और दिल वालों का घर कहाँ था, इस डी में, दिल वालों का घर कहाँ था, इस डी में। तो आंसर क्या होगा आपका, डी। ठीक है दोस्तों, दिल वालों का घर भी हमने कर दिया है। आप लेते हैं कॉफी हाउस। आपको मैंने बताया था कि तीन विंडो एक दरवाजा घर के जस्ट बीचा बीच में, कैसा था, कॉफी हाउस था, कॉफी हाउस था। तो कॉफी हाउस कहाँ था, यहाँ था। तो आपका आंसर क्या है, सी, कॉफी हाउस में सी। ये साधारण, मेरे घर के पास में था साधारण घर, ये मेरा घर था, इसके पास में था साधारण घर यहाँ पर। तो मेरा आंसर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, और जस्ट नीचे क्या था, बिना दरवाजे का घर, और जब बिना दरवाजे का घर कहाँ था, यहाँ पर था। तो आंसर क्या है, ए। इसी प्रकार देखो हमने याद करके सभी 12 क्वेश्चनों का आंसर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं इसी के, जो है नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों। अब हमने पहले सेट नंबर एक को किया, अब सेट नंबर दो को याद करेंगे और फटाफट उसके आंसर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बहुत कम टाइम लेने पर आपको इस इमेज को देखकर क्या याद आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कच्चा घर बना हुआ है, कच्चा घर बना हुआ है। कच्चा घर भी कैसा है, दो मंजिल का, तो हम उसको बोलेंगे दो मंजिल कच्चा घर। क्या बोलेंगे इसको, दो मंजिल कच्चा घर, दो मंजिल कच्चा घर, दो तीन बार अपने माइंड में बोले। ठीक है, बहुत अच्छा शानदार घर दिख रहा है। घर दिखते ही हमने क्या कहा, मेरा घर। अच्छा गिरते घर दिखते ही क्या कहा हमने, ये मेरा घर है, ये कच्चा घर है दो मंजिल का, उसके जस्ट नीचे मेरा घर है, मेरे घर के नीचे एक बहुत ही गरीब, बिल्कुल नीचे बहुत ही गरीब व्यक्ति का घर है, जो बिल्कुल साधारण सा दिख रहा है, सिंपल, बहुत ही साधारण गरीब बच्चे घर। जस्ट इसके पास में एक फैक्ट्री नुमा आकृति है, इसको बोलते हैं एक फैक्ट्री बनी हुई है, गरीब घर के पास में फैक्ट्री। तो देखा दो मंजिल कच्चा घर, उसके जस्ट नीचे मेरा घर, शानदार घर है जो, फिर हम बिल्कुल खाने छोड़ दिए, बिल्कुल नीचे कॉर्नर पर क्या था, एक गरीब आदमी का घर था, और उसके पास में क्या था, एक फैक्ट्री बनी हुई थी। तो हमने चार हाउस एक साथ याद किए। अब हम याद करते हैं इन तीन हाउसों को एक साथ, या फिर इसी से इसको लिंक करते हैं। एक फैक्ट्री के पास में क्या है, ये चर्च, ये चर्च नुमा आकृति है। तो मैंने इसको, मेरे को देखो इस चित्र को देख के मेरे मन में सबसे पहले क्या वर्ड आया, चर्च आया, तो मैंने इसको चर्च बना लिया। आपके मन में कुछ भी आए पहला अक्षर, आपको वो ही बनाना है इसको, बस फर्क ये रहे कि हमारा सब में अंतर होना चाहिए बारों घर में। तो इस घर को देखा, मैंने देखा एक कच्चा सा दिख रहा था, तो मैं इसको कच्चा दो मंजिल घर बना दिया। ये बहुत ही शानदार मकान दिख रहा है, बंगला जैसी आकृति का, इसको मैंने मेरा घर बना दिया। यहाँ देखा था एक बहुत ही गरीब सिंपल आदमी की कुटिया सी दिख रही है, तो मैं इसको बिल्कुल साधारण कच्चा घर बोल दिया। ठीक है, इसके पास में इसमें कुछ ज़्यादा रोशनदान बने हुए हैं, टीन शेड लगी हुई है, तो एक फैक्ट्री नुमा आकृति दे दी। देखते ही तुरंत इसको मैंने देखा तो मुझे चर्च जैसा घर लगा, कि मैंने कहा चर्च वाला घर। ठीक है, यहाँ से देख दिया मैंने चर्च वाला घर। अब चर्च वाले घर तक हम पहुँच गए, अब हम वो करते हैं ऊपर से स्टार्ट। हमने इन तीन घरों को छोड़ देंगे, हम सिर्फ लिंक करें कितने हाउस, पांच हाउस, इन तीन को करेंगे फिर इन चार को करेंगे। अब ये तीन देखो, ये एक नाव पे बन रहा है पहली बात, तो इसको देखते क्या पता लगता है, नाव पर घर। नाव नहीं दिख रहा तो मुझे इसमें एक आकृति दिख रही है, सूरज जी। जब सबसे अलग सूरज जी हैं तो सूरज वाला घर, या इसके आगे दो फूल दिख रहे हैं तो फूल पत्ती वाला घर, आप कुछ भी आ सकते हो, सूरज जी वाला घर, फूल पत्ती वाला घर, या फिर देखो इसमें घर में ऐसे लाइन है तो आप बोल सकते हो खपरेल वाला घर, जो खपरेल का घर होता है वो वाला घर दिख रहा है, तो ऐसी आकृति है। तो आप तीन चार कोई भी नाम से, एक नाम से याद कर सकते हो। तो मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको याद कर लिया फूल पत्ती वाला घर, क्या करा, फूल पत्ती वाला, क्योंकि यहाँ पर दो फूल दिख रहे हैं साफ, तो फूल पत्ती वाला घर। ठीक है, फूल पत्ती के घर के जस्ट बगल में, ठीक है, फूल पत्ती के जस्ट बगल में दो जुड़वा घर, कैसे, इन जस्ट पास में बने हुए दो घर दिख रहे एक साथ, ये बाहरी पोर्शन, ये भीतरी अलग पोर्शन, तो फूल पत्ती के पास में जुड़वा घर, इसको क्या नाम दिया मैंने, जुड़वा घर दे दिया, फूल पत्ती के पास में जुड़वा घर। और जुड़वा घर के जस्ट पास में एक दे दिया हमने, ये एक चौपाल जैसी दिख रही है, जो गाँव में चौपाल होती है वैसी चौपाल टाइप का दिख रही है, तो चौपाल हाउस। ठीक है, चौपाल हाउस। तो देखिए शुरू से कच्चा दो मंजिल घर, उसके पास में मेरा बंगला, जस्ट नीचे गरीब आदमी का घर, उसके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री के पास में चर्च है, यहाँ पर फूल पत्ती का घर, फूल पत्ती घर के पास में दो जुड़वे घर, दो जुड़वा घर, और दो जुड़वा घर के पास में चौपाल।
हमने एक साथ कितने घर हाउस कर लिए, अब ओनली बच गए हमारे पास तीन घर जिनको हमें याद करना है। तो आप यहां देखिए, काला चबूतरा घर, इसका जो चबूतरा बना हुआ है वो काला है। मुझे फटाफट फर्स्ट देखते ही क्या आकृति समझ में आती है, इस चित्र को मैंने देखा और इसका तुरंत एक नाम रख दिया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमने सिर्फ इसको ये देखा इसके आगे चबूतरे से बने हुए दोनों कैसे काले हैं, तो काला चबूतरा घर। इसके काले चबूतरे के पास में टेबल नुमा आकृति का या पिलर वाला घर, कुछ भी आप आ सकते हो। ये पूरा काला दिख रहा है मुझे, पूरा घर कैसा दिख रहा है, काला भूत बंगला, देखते ही बोलती है भूत बंगला है। और ये एक टावर वाला घर, टावर वाला घर। तो हमने शुरू से फिर एक बार बोलते हैं स्टार्ट से ही, मेरा है दो मंजिल कच्चा घर मेरा बंगला। जस्ट नीचे आ जाते हैं, जस्ट नीचे आते हैं, देखा बिल्कुल साधारण साधारण गरीब व्यक्ति की ये कुटिया सी, ये झोपड़ी है वो है, उसके पास में फैक्ट्री है, फैक्ट्री के पास में क्या था चर्च, चर्च वाला घर। ऊपर गए हम इसमें, या तो सूरज जी वाला घर या फिर फूल पत्ती वाला घर। फूल पत्ती के जस्ट बगल में दो जुड़वा घर थे पास पास में, यहाँ हमारी चौपाल थी। फिर आते हैं इस सेक्शन में, इस सेक्शन गोले वाले में था काले सबूतरा, उसके जस्ट नीचे टेबल नुमा करती का, नीचे नीचे दो मंजिल का टावर वाला घर है, और पास में उसके क्या है भूत बंगला है। अब हमने सबको याद कर लिया, फटाक दिन से हम आगे चलेंगे और इनके आंसर देंगे सभी के, क्या देंगे आंसर। आ जाइए, सबसे पहले कौन सा घर है, देखो आपको दिख रहा है फूल पत्ती वाला घर, दिख रहा है फूल पत्ती वाला घर। और फूल पत्ती वाला घर कहां था, मैंने जब आपसे कहा था फूल पत्ती वाला घर कहां था, आप देखो यहां पर था फूल पत्ती वाला घर, फूल पत्ती वाला घर यहां पर था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। काला चबूतरा घर, काला चबूतरा घर कहां था, आपको पता होगा कि काला चबूतरा घर देखते ही हमको पता लगा था कि यहां पर हमारे कहीं यहां पर था, मैंने देखा था काला चबूतरा वाला इस सेक्शन में था, आपको याद करना है। तो सबसे पहले देखिए इस बीचा बीच में था हमारा काला चबूतरा घर, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बी था। ये टावर वाला घर दिख रहा है, कैसा घर दिख रहा है टावर वाला, और टावर वाला घर कहां था बिल्कुल नीचे इसमें सी में, तो आंसर क्या हो गया सी। चार नंबर पर मेरा बंगला था, आपको खूब अच्छी तरह पढ़ा था कि यहां से तुरंत नीचे कहां देखा था हमने, यहीं देखा था, ये मेरा बंगला यहां पर था, तो आंसर डी। ये मैंने बोला था काला बंगला है, बिल्कुल दिख रहा है एक भूत बंगला जैसा आकृति का, तो वो कहां बना हुआ था भूत बंगला, इसमें भूत बंगला है बना हुआ, तो ए में। देखो ये दो जुड़वा घर कैसे थे, दो, ये फूल पत्ती अपनी यहां थी और इसके पास में यहां पर था कौन सा जुड़वा घर, यहां पर था, यहां फूल पत्ती थी और फूल पत्ती के पास में कौन सा था जुड़वा घर था, तो आंसर क्या आएगा हमारे जुड़वा घर में ई। ये एक फैक्ट्री आकृति थी और वो कहां थी गरीब घर के पास, ये तो अपना गरीब घर था उसके पास में फैक्ट्री थी, तो आंसर क्या है फैक्ट्री के लिए ए, तो हमारा आंसर है ए, तो आंसर क्या हो गया इसका ए। आपको पता है आठ नंबर पर हमारा क्या था दो मंजिल कच्चा घर, और दो मंजिल कच्चा घर कहां था इस सी में, तो हमारा आंसर क्या होगा सी। ये गरीब व्यक्ति की कुटिया बोला मैंने इसको, गरीब व्यक्ति की कुटिया, और वो कहां थी बिल्कुल नीचे यहां पर डी में, तो हमारा आंसर क्या है इसके लिए डी। ये मैंने आप बताई दिए सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दस को देखिए, क्या नाम दिया था इसको, इसको मैंने दिया था चौपाल, गांव की चौपाल, और चौपाल कहां पे थी, चौपाल कहां पे थी, चौपाल थी यहां पर, चौपाल कहां पे थी इस बी के अंदर, चौपाल इस बी के अंदर थी, तो आंसर हमारा क्या है बी। लास्ट में बचा है हमारा टेबल उमा करती का घर या पिल्लर वाला घर, ठीक है, जो एक यहां बिल्कुल कोने में बना हुआ था, तो हमारा आंसर क्या है ए। और ये थी चर्च, और चर्च कहां थी फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर, तो मेरा आंसर क्या है ई। इस प्रकार आपके सामने सभी घरों को मैंने याद किया अलग अलग तरीके से और सबके आंसर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। आज हमने मेमोरी को पढ़ा है, इसी प्रकार आपको मेमोरी के सारे और प्रैक्टिस सेट निकालने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां से हमारी वेबसाइट है www.smartonlineexam.com पर, वहां से प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा कल के लिए ट्रैक मेमोरी, वो है ट्रैक मेमोरी, उसको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल हम ट्रैक मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे।